मॉडल युवक की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज वाल्मीकि समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने सोमवार सायं थाने चौराहे पर पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। समाज के लोगों ने यहां थाना प्रभारी के तबादले की मांग की व उस पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त था। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस को तुरंत हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद ही गुस्साई वाल्मीकि समाज के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मामले में अभी भी किसी की गिरफ्तारी होने की सूचना नहीं मिल रही है। होडल प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि बस्ती निवासी कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि 29 जून की रात को उन्होंने सूचना मिली कि उनका भाई 24 वर्षीय अमर की नेशनल हाईवे पर निजी ढाबे पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही जब हम 3-4 लोगों को लेकर मौके पर पहुंचे तो वह हमें घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। अमर की हालत को नाजुक देखते हुए हम उसे निजी डॉक्टर के पास ले गए, जहां हालत को गंभीर देख डॉक्टर ने उसे बाहर के लिए रेफर कर दिया। कुलदीप ने बताया कि 1 जुलाई को उसके भाई ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बस्ती के लोगों ने आरोप में बताया कि ढाबा मालिक व उसके कर्मचारियों ने उसके भाई के साथ मारपीट की है, जिसमें उसकी हत्या हुई है। बस्ती के लोगों ने जब पुलिस थाने में उसकी शिकायत की तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही मामले की छानबीन की। पुलिस की इसी कार्यशैली से नाराज सैकड़ों बस्ती के महिला पुरुष सोमवार देर सायं थाने चौक पहुंच कर गए। वहां बस्ती के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाना प्रभारी की तुरंत प्रभाव से तबादला करने की मांग की। चौकी पर नारेबाजी करने लगे। बाद में बस्ती के लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। गुस्साई वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ढाबा मालिक को इस मामले में बचाने के चक्कर में है, इसलिए कार्रवाई में ढूंढ-मूल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हत्या का खुलासा नहीं तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। मामले की नजाकत को भांपते हुए थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर बस्ती के लोगों को FIR थमा दी। FIR हाथ में आने के बाद ही वाल्मीकि बस्ती के लोगों को गुस्सा शांत हुआ। इस मामले में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जल्द हत्यारे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये जो आपके भाई एक मौत हुई है, किस कारण हुई है? आपको कैसे सूचना मिली? कहाँ था भाई आपका? हमारे पास फोन आया था रात को 11 करीब, जब हम चले गए थे। कहाँ पे? हमारे पास फोन आया था कि बाईपास के लिए बोला था, फिर हम बाईपास पर गए तो बाईपास पर नहीं बोला था। फिर हमारे पास दोबारा फोन आया था कि लीलगंज ढाबे पर है, वहाँ पर हमने पहुंचे तो हमने इसको देखा, उन्होंने वहाँ पे पूछी थी भैया ना, तो किसी ने फोन किया था, उसने बोला कि हाँ भैया ना पे एक आदमी पड़ा हुआ बाथरूम में नंगे हालत पे, उसकी चोट वोट लगी हुई थी, उसको हम वहाँ से उसी टाइम ले आए। फिर उसको हमने घर पर ला के उसको लिटा दिया, हमारे साथ उसकी लग गई है। तो फिर हमने रात को डॉक्टर वगैरह देखे तो हमको डॉक्टर की दुकान खुली नहीं मिली, हमने सुबह उसको ले आके यहाँ पर सामने दुकान पर। तो कैसी हालत थी जिस टाइम उस बाथरूम में से अपने भाई को आपने उठाया था? उसकी हालत सही नहीं थी उस टाइम, उसके हाथ पैर में लगी हुई थी चोट वगैरह लगी हुई थी सिर में, और नंगा वंगा पड़ा हुआ था बिल्कुल, बाथरूम में अकेला था, सिर में लगी हुई थी उसकी, बेहोश था वो। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं थाने पे, किस विषय पर कर रहे हैं, क्या मामला है? देखो हमारा एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल वर्ष है, उसकी शादी नहीं, उसके माँ बाप पहले भी मर चुके हैं। उस लड़के को किसी ने वहाँ पर नीलकंठ ढाबा है एक डबचिक से थोड़ी आगे हाईवे पर NH2 पर, उसे किसी उन्होंने जो नीलकंठ ढाबा के वो कर्मचारी हैं और नीलकंठ ढाबा के मालिक ने, उन्होंने किसी बात पर उसे पीट कर काफ़ी अदमारा कर दिया था, जो कि उसने आज दम तोड़ दिया। हमने उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी है मुकदमा दर्ज कराने की SHO साहब से, भाई रिक्वेस्ट बात करी है, फिर भी SHO साहब कहते हैं कि आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे तब इसकी एम्बुलेंस के लिए किराया देना पड़ेगा आपको। वो बात भी हमने कराया, अपनी जेब से मुहैया करा दिया, कोई बात नहीं, चलो उनकी जेब से जाता हमारे जाता। अब छोटी सी बात हमारे अंदर जो हमारे जो दिल झंझोरने वाली बात आई थी, वो SHO खुद थाना प्रभारी ने कहा है कि उसके लिए होटल से बर्फ भेजनी पड़ेगी, बर्फ का इंतजाम कराओ, उस बॉडी में बर्फ लगेगी भाई, बर्फ को मैं थोड़ी भेजूंगा उसके लिए।
अब यहाँ से 100 रुपए की बर्फ होटल से लेके क्या हम पलवल जाएंगे? ये इस रवैये के अगर हमने इसको थोड़ा बहुत आवाज उठाई, हमने इससे कहा तो हमको झटका कर बदतमीजी। पुलिस ने अभी क्या मामला दर्ज किया है? पुलिस ने अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया, बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। हम डीएसपी साहब, अपने एसपी साहब, इतने बढ़िया अधिकारी हैं इस जिले में, जिनका इस एसएचओ ने नाम खराब कर रखा है, बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। तुरंत उन्होंने फोन उठाया, कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब से बोला, उन्होंने कार्रवाई तब की। होटल मालिक के बारे में क्या कहना है? होटल मालिक के बारे में हम चाहते हैं, देखो जी, किसी के साथ अन्याय ना हो, पुलिस मुकदमा दर्ज करे, जो हमने एप्लीकेशन दिए उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, जो उसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मेरा नाम शिवा है। जो अमर है मृतक, उसका क्या संपर्क है आपसे, क्या लगता है आपको? वो मेरे चाचा लगते हैं। तो जो वो किस स्थिति को लेकर थाने घेराव किया आपने? जब हम होटल पे गए थे तो। कब गए थे आप होटल पे? होटल को गए थे 29 तारीख रात को। क्यों गए थे, किस लिए गए थे? हमारे पास फोन आया था होटल वालों की तरफ से कि यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा है, उसको ले जाइए। हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा था, तो उसके सर पे चोट, शरीर पे चोट, और वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? ये नीलकंठ ढाबा पर। कौन सी जगह? हाईवे। हाईवे ढाबा पर कहाँ पड़ा था? बाथरूम में। बाथरूम में नंगा था ये? नंगा। कितने चोट के निशान थे इसमें? करीबन इसके चोट